तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके साथ कि एक्सेल के अंदर में किस तरीके से हम पिवट टेबल के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस तैयार करेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब कि आप लोग जो ऑफिस के अंदर जाते हैं और जाने के बाद जब आप लोग अपना थंब इम्प्रेशन या अपना कार्ड स्वैप करते हैं, आई स्कैन करते हैं, उसकी डेटा है। अब होता है क्या है कि वो स्कैन करने से ही आपका ऑफिस का डूर ओपन होता है। अब ऑफिस का डूर ओपन करने के लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये चीजें नहीं होगी तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, मतलब आपके स्कैन का मतलब आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। तो आपके सामने एक डेटा है जिसमें किस पर्सन ने किस डेट एंड टाइम को स्कैन किया। अब इसमें क्या डुप्लीकेसी भी है कि एक डेटा कई बार एंट्री होता है, मतलब कि आप बंदा अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, तो कई बार एंट्री होता है। मुझे इससे अटेंडेंस तैयार करनी है तो मैं इसको पिवट टेबल के जरिए करूंगा। पिवट टेबल हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने नेम को लिया और यहाँ हमने स्कैन डेट को कॉलन में रख दिया। अब स्कैन डेट को जैसे ही कॉलम में रखा आप देख सकते हैं डे आवर मिनट इस तरह से ग्रुप हो गया। तो फिर मैंने राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप किया। अनग्रुप करते ही हर एक दिन के कई सारे एंट्री आप देख रहे हैं ना, क्योंकि पूजा कविता दिन में कई बार बाहर अंदर बाहर करते हैं, इसलिए ऐसी चीज हो रही है इसकी प्रॉब्लम। तो हम राइट क्लिक करके हम यहाँ ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद इसको हम डेज बाय ग्रुप कर देंगे। जब डेज बाय ग्रुप हो जाएगा और फिर हम इसको ओके करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद वापस हम स्कैन डेट को वैल्यू में रख देंगे तो यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये आपके नंबर्स आ गए, बट ये ब्लैंक दिख रहा है। तो ब्लैंक इट मींस इस दिन कोई भी स्कैन नहीं हुई है, मतलब कि उस दिन आप नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूं और यहां मैं क्या कर दे रहा हूं, ए कर देता हूं, मतलब कि अब्सेंट। ते जहां जहां ब्लैंक्स थे उस जगह पे अब्सेंट आ गया। अभी टोटल वगैरह हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये टोटल काउंट ऑफ आ रहा है वो अलग है, मतलब कि कितना बार अंदर बाहर होगा उसका है। तो हम यहाँ टोटल एंड फिल्टर पे जाएंगे, यहां से मैं टोटल हटा दिया। उसके बाद जो नंबर्स हैं इट मींस प्रेजेंट, तो मैं चाहता हूँ जो ये नंबर्स जो है प्रेजेंट शो कर जाए। तो इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे नहीं होगा कुछ, आपको राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाना होगा और यहाँ नंबर के कस्टम में कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा में आप जस्ट पी लिख दीजिए। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिख दीजिए, कैपिटल स्मॉल जैसा लिखना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ लिख दीजिए और जस्ट प्रेस ओके। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है कुछ इस तरह से। आया समझ में आप लोगों हाँ जी सर जी को? और किसी को डाउट है? सर एक बार वो लास्ट में बता दो कि कॉपी पेस्ट एकदम कैसे किया था उसमें कस्टम में जाके, उस स्टेप एक बार बस जाने का। कस्टम हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, कस्टम फॉर्मेटिंग पे गए और इन्वर्टेड कॉमा जस्ट पी लिख दिए। ओके एंड सर हमने कौन सा मतलब सबको ऑल को सेलेक्ट किया था या डेट को सेट किया था? जी नहीं, एक को बार, हाँ ऑल को सिलेक्ट, एक को माफ कीजिएगा, हम पूरा एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जो सिलेक्टेड एरिया उसी पे अप्लाई होगा ना सर। ठीक हाँ जी हाँ जी ठीक, वही एक्चुअली बस पूछना था। ठीक सर हो है, और किसी को डाउट?
नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए।